अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब गवर्नमेंट की पेड पीआर की काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इसमें जो सबसे ज़्यादा आवाम को दुख हो रहा है वो है जुनेद अकरम का। तो मैंने जुनेद अकरम की वीडियो देखी है, तकरीबन कोई 12-13 मिनट की वीडियो है। आई सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की तारीफें की गई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है या एजुकेशन है या आईटी सेक्टर है। तो उनमें से चंद पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किए हैं, जुनेद अकरम साहब फरमाते हैं कि लाहौर में जो हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस जो जौहर टाउन में हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, तो इसका क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को कैसे जाता है? वो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस बिल्ड हुए हैं वो किसी इंडिविजुअल पर्सन ने अपने बलबोते पे वो बिल्ड किए हुए हैं, इसमें पंजाब गवर्नमेंट का क्या किरदार हो सकता है? क्या पंजाब गवर्नमेंट ने उनको फंड वगैरह फ्राहम किए थे? तो इसमें मेरा ये सवाल है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट का, जुनेद अकरम साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन जो अगर मैं बताऊँ, मैं लाहौर में रहता हूँ इसलिए मुझसे बेहतर कौन जानता है, ये हम जो केनाल रोड है वहाँ जल्लो से लेके ठोकर तक एक बस चलती थी पहले 22 नंबर, लेकिन अब वो बस नहीं चलती। अब आपको बस की जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ मिलती है कैंपस से ठोकर के आगे और एक कैंट के अंदर अंदर मिलती है। और शहीद रोड पे एक बस चलती थी 8 नंबर, जो कि एयरपोर्ट रोड से होती हुई जाती थी रेलवे स्टेशन लालगढ़ अड्डा जाती थी, अब वो बस भी नहीं चल रही। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस का बताऊं तो मेरे लिए उसमें बहुत मुश्किल हुई, लाइक जब पेट्रोल वगैरह इंक्रीज़ होता था तो, और जो मैं रिक्शा वगैरह पे ट्रैवल करता था लोकल, तो वो अपने किराए वगैरह इंक्रीज़ करते थे, तो जाहिर बात है हमारी सैलरी इंक्रीज़ नहीं थी होती लेकिन किराए इंक्रीज़ हो जाते थे, उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम आता था। तो आखिरकार थक हार कर एक साल तो मैं लोकल जाता रहा रिक्शा पे, या रिक्शा नॉर्मली रिक्शे पे ही जाता था, तो या इन ड्राइव करवा ली, बाइक या करवा लिया कुछ भी। तो फिर मुझे मजबूरन अपनी बाइक लेना पड़ी जो कि मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और ये ट्रैफिक अगर आप देखी जाए ना, तो ट्रैफिक इंक्रीज़ भी इसी वजह से होती है क्योंकि आपके पास अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी ना तो आपका जो ट्रैफिक जैम है वो बढ़ेगा। ज़ाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इंडिविजुअल गाड़ियाँ लेके आएंगे तो आपके रोड पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई हल नहीं हुआ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का। और इसके अलावा मुझे नहीं पता और कहाँ कहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन ये दो मेन रोड हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हैं और जो मैं यूज़ करता हूं, लेकिन यहां पे मेरे लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है। तो एक तो इस पॉइंट से भी मैं उनके डिसएग्री करता हूं। इसके अलावा ये दो पॉइंट हो गए और लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी बात की जुनेद अकरम साहब ने कि अगर हम इन चीज़ों को देख के उनको मेयर करेंगे किसी भी पार्टी को या किसी भी हुकूमत को, तो ताकि इसके अकॉर्डिंग हम उन्हें वोट देंगे कि हम उन्हें अकाउंटेबल कर सकेंगे। तो मेरा उनसे ये सवाल है, क्या ये जो पंजाब गवर्नमेंट आई है, जो नून लीग ये इक्तदार में आई है, ये आपके वोट से आई है? तो पहले तो ये हुकूमत आवाम के वोट से आई नहीं है, तो आपको इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल को जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी वो आपके वोट से आएगी और उसको आपके वोट की इतनी ही कदर होगी? क्योंकि जब कोई भी हुकूमत नेक्स्ट आएगी, कल को जरदारी आ जाता है, कोई भी उसको फोर्सफुली बिठा देता है और वो भी अच्छे काम करना शुरू कर देता है, तो ज़ाहिर बात है उसको अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब उसको ऊपर जो आपके ऊपर बिठाने वाले हैं उसकी ज़रूरत है, वो उसको देखेगा, उसकी अच्छाइयाँ और उसकी खिदमत करेगा, वो आवाम की खिदमत कभी भी नहीं करेगा। तो मेरे ख़्याल से जो अच्छाइयाँ इन्होंने बयान की हैं उसे हम डिसएग्री करते हैं। जब एक हुकूमत आपके आयन और कानून को ही नहीं मानती, आप उस हुकूमत को तारीफ क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? तो सबसे मेन पॉइंट मेरा यही है, तो वो आपको कभी भी अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझेगी जब तक कोई भी हुकूमत आवाम के वोट से नहीं आएगी। तो इसी के साथ ही मैं आप सबसे जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।